Hello everyone, Nishant this side. So today we start a Python tutorials, okay? Guys, इस tutorial का purpose बस यही है कि मैं आपको Python from the basic से बताना चाहता हूँ, okay? और आप लोग भी आजकल free है, so utilize your time, okay? On that series, मैं आपको Python from the beginning till the advanced level आपको complete कराऊँगा, okay? स्ट्रीमिंग का टाइमिंग मैं अभी कुछ फिक्स नहीं करूँगा कि मैं किस टाइम स्ट्रीम करूँगा, बट यस मैं जब भी करूँगा आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो मैं आपको फर्दर नोटिफाई कर दूँगा. गॉट इट? टाइम एंड ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि हम आगे कितना इसे अच्छे से लेके जाते हैं, ओके. बट मेरी तरफ से यही पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा पाऊँ. सो वी स्टार्ट विथ पाइथन. फर्स्ट टूडे वी डिस्कस द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज. Like एक लैंग्वेज का बेसिक्स क्या होता है, हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज. ओके, सो गाइस, पाइथन से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग में हमें हमारे लिए ये सारी की सारी चीज़ें कैसे यूजफुल हो सकती हैं. सो ये जो बेसिक डिटेल्स हैं हम जस्ट जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं. आई होप आपको ये सब पता हो. नहीं पता है तो आप अच्छे से सुनिए इस चीज़ को, आपके लिए फर्दर आगे ये चीज़ बहुत काम आती है. जितना ज़्यादा अच्छा आपका बेसिक्स क्लियर होगा आप प्रोग्रामिंग उतना अच्छा और एफिशेंटली कर पाओगे. ओके, तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो आप अच्छे से समझिए डिफरेंस क्या है इनके बीच में. ओके, क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको, काफ़ी अच्छे से सुनेगा क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जाके फ्यूचर में हेल्प करेंगी ही करेंगी. ओके, पाइथन आज हम प्रॉपर बेसिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, ओके, व्हाई वी यूज पाइथन, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट एट द एंड वी डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलेशन एंड पार्ट. ओके गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, चैट का ऑप्शन है. ओके, मैं रिप्लाई करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, दिस अ क्वेश्चन, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, एज यू नो कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आप सबने इस चीज़ को पहले भी सुना है बट एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं. ओके, आफ्टर दैट हमारे पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे. सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है देखते हैं हम. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसमें ह्यूमन और मशीन इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से. लाइक अगर आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में माना जाता है. ओके, लाइक जिस लैंग्वेज के थ्रू आप और आपकी मशीन इंटरेक्ट करते हैं. ओके, लाइक हमारी मशीन क्या समझती है, बाइनरी, विच इज लो लेवल लैंग्वेज. ओके, क्योंकि हमारी मशीन को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है. ओके, और ह्यूमन अपना कोड बाइनरी में नहीं लिख सकता है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट 10 10 10. ओके, सो वी यूज हाई लेवल लैंग्वेज. सो ऑल लैंग्वेज विच इज यूज टू इंटरेक्ट विद मशीन एंड ह्यूमन दैट कम्स अंडर हाई लेवल लैंग्वेज.
सो आई राइट इट फॉर यू. सो गाइस एज यू सी देयर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि जिससे मशीन और ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, लाइक पाइथन, जावा, सी, ओके, कॉटलिन, जितनी भी ये लैंग्वेज है ये सारी की सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज है. ओके अगर आप अपना कोड राइट कर सकते हो किसी लैंग्वेज में तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है. लाइक आपकी मशीन बाद में फर्दर हम उसे ट्रांसलेटर्स का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, उसे सबसे पहले हम अपना कोड हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखते हैं. ओके हाई लेवल लैंग्वेज लाइक आपके लिए सबसे पहले कोडिंग इसीलिए टिपिकल थी क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी. हम यूज़ करते थे बट वो भी हम लाइक हमारी असेंबली लैंग्वेज होती थी, हम उसमें भी इंस्ट्रक्शन दे सकते थे. बट विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हमने क्या करा, कोडिंग को ईजी करा है. लाइक पाइथन इज कंसिडर्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज कंसिडर्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जावा इज कंसिडर्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज. ये सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या हैं जिसमें आप कोड लिख रहे हो. ओके आप लाइक इसमें न्यूमरिक्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी है. तो इन सबसे इन सबके कॉम्बिनेशन से एक सेट ऑफ रूल्स डिस्क्राइब करा गया. लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द सेट ऑफ रूल्स विच इज कंसिडर्ड एज अ सिंटैक्स. ओके तो आप सिंटैक्स की हेल्प से क्या कर रहे हो, एक सेट ऑफ रूल्स लिख रहे हो. ओके सेट ऑफ रूल्स के अंडर एक कोड लिख रहे हो जो कि आपकी मशीन बाद में एग्जीक्यूट करेगी. गॉट इट? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज. गैस अगर आपको कोई डाउट है आप बाद में कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा. ओके सो गाइस नाउ वी डिस्कस अबाउट लो लेवल लैंग्वेज. व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज? ओके सो गाइस आप लोगों को पता है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है. ओनली बाइनरी कंसिडर्ड एज अ लो लेवल लैंग्वेज. ओके ओनली बाइनरी कंसिडर एज अ ओनली बाइनरी कंसिडर्ड एज अ लो लेवल लैंग्वेज और वी कैन से मशीन लैंग्वेज. ओके और वी कैन से मशीन लैंग्वेज. आपका कोई भी कोड है जिसे आप एक हाई लेवल में लिख रहे हो, लाइक सी में लिख रहे हो, जावा में लिख रहे हो या पाइथन में लिख रहे हो, ओके वो सारा का सारा आपका एट द एंड किस में कन्वर्ट होगा, एक लो लेवल लैंग्वेज में. लाइक हमारी मशीन सिर्फ बाइनरी समझती है तो हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं फिर उसे हम कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज में. लो लेवल लैंग्वेज में हम जैसे उसे कन्वर्ट करते हैं वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होता है. सो गाइज अब यहीं से हम एक नया टॉपिक उठाएंगे विच इज कंसिडर्ड एज अ व्हाट इज ट्रांसलेटर्स. सो गाइज व्हाट इज ट्रांसलेटर्स? ओके गाइज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं आपको पता है, ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी. लाइक ट्रांसलेटर हेल्प टू कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू लो लेवल कोड. ओके ट्रांसलेटर्स कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू लो लेवल और वी कैन से मशीन कोड. ओके ट्रांसलेटर हमारा हाई लेवल कोड या मशीन कोड में, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में या लो लेवल कोड में कन्वर्ट करते हैं. कौन कौन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर. देयर आर फर्स्ट इज योर कंपाइलर एंड सेकेंड इज योर इंटरप्रेटर. ओके गाइस फर्स्ट वन इज योर कंपाइलर एंड सेकेंड वन इज योर इंटरप्रेटर. तो क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, हम ये डिस्कस करेंगे. लाइक हर लैंग्वेज इन्हीं दोनों को फॉलो करती है, आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ओके गाइस ये बताने का मोटिव ये है कि आपको एक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो जाए. लाइक मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जो मे भी आपने पहले कभी सुने हो,
तो प्लीज फोकस करो इस पर. कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन सॉरी होल कोड आपका वन टाइम पे एनालाइज करता है. गाइस फोकस ऑन माय वर्ड्स, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एनालाइजेशन टाइम पे कंपाइलर क्या करता है, अगर आपके पास 200 लाइंस का कोड है तो वो अगर आपके पास 200 लाइंस का कोड है तो वो क्या करेगा, उस 200 की 200 लाइन को एक साथ एक ही टाइम पे एनालाइज करेगा और उसमें जितने भी एरर्स हैं उन्हें आपको लिस्ट करके प्रोवाइड कराएगा. दैट्स द वर्किंग ऑफ योर कंपाइलर. ओके, व्हाट अबाउट इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपका लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा. अगर वो सबसे पहले एक लाइन को चेक करेगा और अगर उस लाइन में एरर है, लाइक सपोज करो ये एक सेट ऑफ कोड है, लाइक यार सपोज करो कि हमने सी में लिखा है, अगर हम क्या करते हैं इसे मैं कंपाइलर को प्रोवाइड कराऊंगा तो कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरे कोड को एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा और एनालाइज करते ही इसमें जितनी भी एरर्स हैं वो उन्हें लिस्ट करके आपको प्रोवाइड कराएगा. अब सपोज करो मैंने उसमें से 20 एरर्स रिजॉल्व करी, मुझे 20 एरर्स मिली, उसमें से मैंने 20 एरर्स में से 15 एरर्स रिजॉल्व कर दी, बट अभी भी स्टिल 5 एरर्स आर देयर. ओके, मैंने फिर से पूरा का पूरा कोड एनालाइज करा, तो जैसे ही मैं पूरा का पूरा कोड एनालाइज करूंगा, वो क्या करेगा, वो फिर से पूरा 1 से लेके 200 तक फिर से एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, मुझे जितनी भी उसमें एरर्स है फिर से प्रोवाइड कराएगा. अब क्या हो रहा है, कंपाइलर बार बार एनालाइज कर रहा है, लाइक उसमें एरर जहां से मैंने एरर को रिजॉल्व भी कर दिया है तो वहां से भी उस लाइन को भी वो बार बार चेक कर रहा है, तो क्या होगा, मेरा एनालाइजेशन टाइम बढ़ेगा इससे. तो अगर मैं कंपाइलर की बात करूँ तो कंपाइलर में एनालाइजेशन टाइम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर. गाइज याद रखना इस चीज़ को, कंपाइलर में एनालाइजेशन टाइम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर. बट वट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर. कंपाइलर की आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, बट वट अबाउट इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइक उनने सबसे पहले फर्स्ट लाइन को चेक करा, अगर ये लाइन एनालाइज करते टाइम पे इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है, तो इसे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा. आफ्टर दैट सेकंड लाइन, इस लाइन को चेक करेगा, अगर इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है तो इसे एग्जीक्यूट करा देगा. फिर वो थर्ड लाइन पे आएगा, अगर इसमें एरर है तो बस वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, इसीलिए हम इंटरप्रेटर को बोलते हैं कि वो लाइन बाय लाइन चीजों को चेक करता है. वो एक बार एक लाइन को चेक करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट कराएगा, दूसरी को चेक करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट कराएगा. तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर मैं यहाँ पे लिख देता हूं. गाइस इन कंपाइलर वी एनालाइज होल कोड एट वन टाइम इफ यू हैव, लाइक जो भी मैंने एग्जांपल दिया था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट इसके बाद इंटरप्रेटर देखते हैं वो क्या करता है. सो गाइस देखो इंटरप्रेटर में भी मैंने वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और फिर रन कराता है, और कंपाइलर क्या करता है पूरे सोर्स कोड को एक बार में एनालाइज करता है और उसके बाद उसे रन कराता है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस गाइस. बट व्हाट इज द थिंग जो कि एक्चुअल में इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं. लाइक अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ एनालाइजेशन टाइम, रन टाइम, एनालाइजेशन टाइम, रन टाइम. सो व्हाट इज दैट एनालाइजेशन टाइम एंड रन टाइम, हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हमारा जो इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है इसकी वर्किंग क्या होती है. तो अगर आपने अभी देखा कि जो कंपाइलर था वो क्या कर रहा था कि सेट ऑफ कोड को एक साथ एनालाइज करके और रन करा रहा था, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा था. तो गाइस दो चीज़ें होती है, एक होता है एनालाइजेशन टाइम और एक होता है रन टाइम. एनालाइजेशन टाइम पे हमारा क्या होता है, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर है वो सिंटैक्स चेक करता है. ये चेक करता है कि जो आपने कोड लिखा है वो सेट ऑफ रूल्स के अंदर है या नहीं है, अगर नहीं होता है तो वो आपको उसी एनालाइजेशन टाइम पे एरर थ्रो कर देगा. गॉट इट. बट रन टाइम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर एनालाइजेशन टाइम.
रन टाइम क्या करता है, जब आपका पूरा सेट ऑफ कोड जो भी आपने एनालाइज करा है जब वो पूरा का पूरा सही होता है, देन रन टाइम टेक दैट कोड एंड एग्जीक्यूट इट। इसके बीच में काफी सारे फेज होते हैं, बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि एनालाइजेशन टाइम ने क्या करा है, ये चेक करा है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है, और अगर वो सही है, वो सेट ऑफ रूल्स के अंदर है, तो उसे क्या करेगा, रन टाइम को दे देगा कन्वर्ट करके कि हाँ अब आपको ये क्या करना है, ये मशीन कोड है, आपको इसे रन कराना है, और रन टाइम उसे एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ पे दो फेज बनते हैं। अब क्या होता है, सपोज करो कंपाइलर ने क्या करा, अपना सोर्स कोड एनालाइज करा और उसे रन टाइम को दे दिया। बट द थिंग इज, कंपाइलर में एक चीज अलग से आती है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड, गाइस। तो इंटर विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरमीडिएट कोड हम क्या करते हैं, सो गाइस लुक एट दिस। क्या लिखा है, व्हेन व्हेन ऑल एरर रिमूव बाय कंपाइलर एट द टाइम ऑफ एनालाइजेशन देन कंपाइलर जनरेट इंटरमीडिएट कोड। मतलब जब अगर आपका कंपाइलर जो है उसने सारी एरर रिमूव करा दिया आपसे, लाइक उसने लिस्ट करी और आपने रिमूव कर दिया, अब आपका जो कोड है वो एरर फ्री है। अब अगर आपका कोड एरर फ्री है तो क्या होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कंपाइलर एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा, एट दैट इंटरमीडिएट कोड प्रोवाइड टू रन टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। सो एनालाइजेशन टाइम इज हाई बट रन टाइम इज लो ड्यू टू इंटरमीडिएट कोड। अब देखो क्या है, जब वो इंटरमीडिएट कोड होगा वो एरर फ्री है, तो जो रन टाइम के पास जो वो कोड जाएगा वो कैसा होगा, एरर फ्री कोड होगा, तो रन टाइम उसे एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा गाइस। सो दैट्स व्हाई जो कंपाइलर का एनालाइजेशन टाइम होता है वो ज्यादा होता है और रन टाइम कम होता है, क्योंकि अब उसके पास एक एरर फ्री कोड है जो उसे बार बार एग्जीक्यूट करा देगा, उसमें एरर नहीं होगा तो उसे रन टाइम रन कराने में उसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई ड्यू टू इंटरमीडिएट कोड रन टाइम इज क्वाइट लो इन कंपाइलर। बट इन इंटरप्रेटर आप खुद सोच के देखो, एक लाइन एनालाइज हो रही है फिर वो रन हो रही है, एक बार एनालाइज हो रही है फिर वो रन हो रही है, तो क्या होगा, लाइन बाय लाइन चीजें चल रही है, तो अगर अब मेरा 2000 लाइन का कोड है तो वो क्या होगा, हर बार वो एनालाइजेशन टाइम के पास जाएगा और फिर रन टाइम के पास आएगा। तो यहां पर हमारा एनालाइजेशन टाइम क्या हो जाता है, ठीक है, कंपाइलर में सॉरी इंटरप्रेटर में जो हमारा एनालाइजेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, लाइक एक बार में एक लाइन एग्जामिन हो रही है तो एरर आएगा तो हमें वहीं पता चल जाएगा, तो इसीलिए इसका एनालाइजेशन टाइम एज कम्पेयर टू कंपाइलर कम होता है, बट रन टाइम इज हाई। क्योंकि बार बार इसे स्विच करना पड़ रहा है बिटवीन रन टाइम एंड एनालाइजेशन टाइम। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट इंटरप्रेटर। सो वी डन विद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। गाइस, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पाइथन। दिस इज द बेसिक जो कि आपको पता होना चाहिए था, एक लैंग्वेज होती क्या है, एक लैंग्वेज को हम यूज कैसे करते हैं, गॉट इट, दिस इज द बेसिक ऑफ द लैंग्वेज। अब हमें ये करना है कि नाउ वी डन विद पाइथन एंड इट्स इंट्रोडक्शन। पाइथन इंट्रोडक्शन। सो गाइज, लाइक यू नो अबाउट द पाइथन, पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज।
गाइस व्हाट अबाउट जनरल पर्पस, अभी मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखूंगा फिर मैं उसे डिस्कस करूंगा। क्या बोल रहा, पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनेमिक एंड हाई लेवल लैंग्वेज गाइस। ओके व्हाट इज दिस, ओके एंड पाइथन फॉलो इंटरप्रेटर, पाइथन फॉलो इंटरप्रेटर। नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं हम इसे। गाइस व्हाट अबाउट जनरल पर्पस लैंग्वेज, पाइथन इज अ लैंग्वेज विच फॉलो एवरेज स्टाइल। लाइक आप पाइथन में कुछ भी कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, इट फॉलो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इट फॉलो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। ओके सो आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग स्टाइल बोलो पाइथन उसे फॉलो करती है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी जावा एंड पाइथन इज दिस, लाइक सी क्या है, सी इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज बट इट इज अनसिक्योर। ओके अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा इज हाईली सिक्योर्ड एंड इट फॉलो ऊप्स। ओके बट वट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सी जावा एंड पाइथन, लाइक सी फास्ट है। ओके काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जावा बैकएंड के लिए और एंड्रॉयड के लिए यूज़ होती है, बट व्हेन वी कम ऑन पाइथन, ओके तो अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में आप अगर उसे ऑब्जर्व करोगे तो पाइथन इज लाइक, पाइथन हर चीज़ को फॉलो करती है। लाइक आप उसे बैकएंड बना सकते हो, आप उसे फ्रंट एंड बना सकते हो, ओके आप उससे AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके लाइक पाइथन का ओरिएंटेशन हर एक सेक्टर में है बट जावा और सी का नहीं है। पाइथन का कोड आप सी के साथ भी चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और पाइथन का कोड आप जावा के साथ भी कर सकते हो। गॉट इट गाइस, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सी जावा एंड पाइथन। लाइक पाइथन हर लैंग्वेज के साथ फ्लेक्सिबल है। ओके पाइथन की मल्टीपल ओरिएंटेशंस है बट अदर लैंग्वेजेस की बात करोगे आप तो वो कुछ सेलेक्टेड ओरिएंटेशंस पे काम करती है। लाइक HTML को आप देख लोगे तो उसे फ्रंट एंड पे काम करती है बट पाइथन अगर मैं HTML से कंपेयर कराऊँ तो आप पाइथन से फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना सकते हो, हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते। ओके एंड गाइस पाइथन फॉलो इंटरप्रेटर, गाइस इंटरप्रेटर इज लाइक, अभी जैसे कि मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करा था कि इंटरप्रेटर होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। तो लाइक मैंने बोला था हर लैंग्वेज या तो कंपाइलर को फॉलो करती है, इंटरप्रेटर को फॉलो करती है, तो पाइथन किसे फॉलो करती है, इंटरप्रेटर को। ओके एंड द थर्ड पॉइंट इज पाइथन इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके पाइथन इज योर case sensitive language. Okay guys, case sensitive से क्या मतलब है आपका? Okay, like if I talk about ABCD, तो यहाँ पर हमारी जो ABCD होगी वो small a and capital A both are different from each other. Okay, like अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ car, या फिर car, तो गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कार लिखा है, बट ये मेरे लिए कार है, पाइथन के लिए ये सारे के सारे डिफरेंट है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो मैंने स्मॉल और कैपिटल का अलग अलग करा हुआ है। ओके तो क्या है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। लाइक क्या होता है, अगर आप स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD की बात करोगे तो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमारी मशीन को नहीं पता है, हमारी लैंग्वेज को नहीं पता है कि कौन सा कैपिटल और कौन सा स्मॉल है गाइस। ओके तो दिस इज द बेसिक पॉइंट अबाउट द पाइथन।
गॉट इट गाइस, आगे देखते हैं। So well, now we discuss about the history of Python. Okay. Guido van Rossum create Python. Okay, so guys, this is the guy Sir Guido van Rossum. Okay, जिन्होंने Python को create करा था. Okay, at its initial phase. Okay, इन्होंने Python का introduce कराया था Python को. Okay, first अगर Python का जो creator है उनका नाम क्या है? Guido van Rossum. Okay, around 1986. ओके गाइस, 1986 के अराउंड उन्होंने इसको बनाना स्टार्ट करा था और 1989 के अराउंड उन्होंने इसे लॉन्च करा था. आफ्टर दैट 1991, ओके, इसका सबसे पहला वर्जन लॉन्च करा गया था विच इज 0.9. ओके, तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द Python. Currently we are using the Python 3.0. Okay, currently we use Python 3.8.2. Okay, guys, ये सबसे latest version है Python का, but जो Python बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में सबसे पहले इतना कुछ नहीं था. लाइक पाइथन 2.0, पाइथन इज द लैंग्वेज विच कम्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जावा. ओके, अगर मैं जावा की बात करूँ तो पाइथन जावा से पहले एग्जिस्टेंस में थी. ओके, बट इतना ट्रेंड में नहीं थी. गॉट इट? सो गाइस, पाइथन ट्रेंड में कब आई है? पाइथन को ट्रेंड में आने का जो टाइम था वो था 2008. ओके, पाइथन 3.0 लॉन्च इन वेयर एंड लॉन्च इन 2008. सो गाइस, 2008 में अगर हम बात करें तो पाइथन 3.0 लॉन्च करा गया था हमारा. ओके, उसके बाद पाइथन एग्जिस्टेंस में आया. लाइक पाइथन 3. पाइथन 2.0 एंड पाइथन 3.0 में काफी चेंजेस थे गाइस. ओके, लाइक अभी जो करंट आप देख रहे हो कि पाइथन इतना कंपैटिबल है, इतना फ्लेक्सिबल है और हर एक टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ हो रहा है. पाइथन की इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं, हमें ये सारी की सारी पढ़नी है जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी, जो भी मैंने आपको बोला है. ओके, सो ये क्या है? ये सारा का सारा जो ओरिएंटेशन आया था वो 3.0 के बाद आया था. तो अगर मैं बात करूँ पाइथन 2.0 की और पाइथन 3.0 की, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस थे गाइस. ओके, एज कम्पेयर टू पाइथन 3.0 एंड पाइथन 2.0, तो उन दोनों के सिंटेक्सिस में भी काफ़ी डिफरेंस था. अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको पाइथन 2.0 पहले सीखनी चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि पाइथन 3.0 में हर कुछ है जो 2.0 में था, इवन उससे ज़्यादा ही है. गॉट इट गाइस? ओके, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइथन. ओके, सो गाइस, अब हम थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के लिए देख लेते हैं. आफ्टर इंस्टॉलेशन हम ये देखेंगे कि हम पाइथन को यूज कैसे करते हैं. गॉट इट?
सो गाइस फर्स्ट यू सर्च पाइथन डॉट ओ आर जी, यहाँ पर आप जाओगे डाउनलोड्स में, और दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, बट गाइस इट इज नॉट दैट मच स्टेबल। तो अभी के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्टेबल वर्जन यूज करें। ओके तो फर्स्ट गो विद ऑल रिलीजेस, यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पाइथन 3.7.7 दिखेगा, देन क्लिक ऑन इट। ओके व्हेन यू क्लिक ऑन इट देन गो देयर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ओके गाइज एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर एंड प्रेस वेट अंटिल इट डन। सो गाइस जैसे मेरा डाउनलोड हो जाता है हम इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम इंस्टॉल कैसे करेंगे पाइथन को। सो गाइज इट्स डन। ओके नाउ प्रेस ओपन। ओके तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको कौन 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 से स्टेप फॉलो करने हैं। ओके लाइक गाइज दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, यू डोंट गो विथ इंस्टॉल नाउ। ओके ये डोंट गो विथ इंस्टॉल नाउ। ओके फर्स्ट यू गो विथ कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। ओके गाइज व्हाट आई सेड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, जैसे ही आप कस्टमाइज फर्स्ट क्लिक करोगे तो ये आगे मूव हो जाएगा। गैस यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है, एड पाइथन टू 3.72 पाथ। गैस व्हाट इज पाथ, लाइक अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर ऐसे सेटअप करना है कि आप उसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो अपने सिस्टम में किसी भी यूजर से, आपकी कनेक्टिविटी बेटर हो, तो आप क्या करोगे उसे पाथ में ऐड करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि ये पाथ कहाँ पर जाके ऐड होता है। ओके लाइक इफ यू वॉन्ट टू सी ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट। ओके ओके गाइस एंड देन टाइप पाथ। ओके तो गाइस अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास पहले से पाइथन इंस्टॉल था, तो यहाँ पर ये पाइथन के पाथ मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है। ओके अब क्या करना है मुझे, मैं भी इसे ऐसे सेटअप करूंगा कि यहाँ पर मेरा पाथ शो हो। ओके अभी के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ, आप लोग जब आपका सेटअप हो जाएगा तो आप भी इस तरह से इसे रन करोगे तो आपका पाइथन का पाथ यहाँ पर आपको विजिबल होगा। ओके तो क्या करना है मुझे, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ओके गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पीआईपी टीसीएल टीके आईडीएलई पाइथन टेस्ट सूट हर कुछ दिखा रहा है गाइस। ओके व्हाट इज दिस, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे जो भी यहाँ पर लिखी हुई है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है गाइस, डॉक्यूमेंटेशन लाइक इसमें पाइथन का जो भी है, लाइक पाइथन के बारे में जितना भी कुछ है वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। तो अगर जिसने भी पाइथन बनाई है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे इस पे काम करा है, वो पाइथन के बारे में उन्हें जितना भी पता था उन्होंने वहाँ यहाँ पर उस चीज को लिस्ट करा है। तो अगर आप उसे लेना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप इस पे टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप अनटिक कर सकते हो। तो चलो अभी के लिए मैं इसे टिक कर देता हूँ। व्हाट इज पिप, क्या लिखा है, इंस्टॉल पिप विच कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल अनदर पाइथन पैकेजेस। गाइस क्या होता है, पाइथन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ओके मल्टीपल लाइब्रेरीज जो कि एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है पाइथन सपोर्ट करता है। ओके थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अलाउ करता है, एपीआईज अलाउ करता है, काफी चीजें हैं जो पाइथन अलाउ करता है। सो क्या होता है, अभी जो पाइथन का ये जो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं इट इज इनिशियल पैकेज, ये आपको इतना प्रोवाइड कराएगा जितना कि आपको अभी बेसिक्स के लिए नेसेसरी है। बट इफ यू गो विन मशीन लर्निंग डेटा साइंस
एंड इमेज प्रोसेसिंग, आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है. सो इफ यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दैट लाइब्रेरीज इन योर सिस्टम, ओके, तो आप क्या यूज करोगे? पिप. ओके, पी आई पी, इट इज योर मैनेजर. इट इज योर मैनेजर जो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को और अनदर लाइब्रेरीज को हेल्प करता है पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए. वट अबाउट टी सी एल और टी के एंड आइडियली? गाइस, टी सी एल, टी के एंड आइडियली इज योर थिंग. लाइक सपोज करो, आपको, आप ऐसे समझ लो, वट इज, वट डू मीन बाय आइडियली? ओके, आपने कभी आईडी सुना होगा, इट इज योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. तो पाइथन ने भी क्या करा, लाइक ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है. इसमें आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, एक एडिटर और एनालाइजेशन टाइम, ये तीनों चीज है. तो जो आपको ये दिख रहा है, इट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. लाइक ये क्या है, बटन्स हैं. ओके, आपको यहाँ पे टिक एंड टिक दिख रहा है, दिस इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसे बनाने के लिए जो चीज यूज होती है उसको, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? टीके, विच इज स्टैंड फॉर योर टिकिंटर, और टीसीएल इज अ सब पार्ट ऑफ टीके. ओके, उसी में एक आइडियली भी कन्फिगर कर रखी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आइडियली क्या है. एंड आफ्टर दैट योर पाइथन टेस्ट सूट. ओके, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. इतना अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट ठीक है, अभी हम इसे यूज करेंगे तो डन विद दिस. ओके, नाउ यहाँ पर हमारा पी वाई लॉन्चर, आप देखोगे तो पहले से टिक हो रखा, बट क्या लिखा है? फॉर ऑल यूजर रिक्वायरमेंट. तो आगे चल के हम इसे जैसे ऑल यूजर पे टिक करेंगे, ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा. पी वाई लॉन्चर मतलब कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जहां पर आपका पाइथन का कोड लॉन्च होगा. ओके, एग्जीक्यूट होगा. मैंने नेक्स्ट करा, देखो मैंने यहाँ पर, देखो मेरा पाथ क्या है, सी यूजर निशांत एप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन, और फिर उसके अंदर एक फोल्डर बनेगा पाइथन जो भी है, वट एवर. ओके, 3.8 के नाम से मीन्स, बट मुझे इतने इंटरनली नहीं करनी है इंस्टॉलेशन, मुझे इसे बाहर ही करनी है ताकि मैं कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँ या जो भी हो, मेरे पाइथन के साथ इंटरेक्शन ईजी हो जाए. तो मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर. सो गाइस ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ टिक करूंगा, ये कहाँ पर आ गया, सी प्रोग्राम फाइल पाइथन, सी प्रोग्राम फाइल पाइथन. मैंने अनटिक करा, फिर से वापस उसी लोकेशन पे चला गया. तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पर भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ब्राउज करूंगा. ब्राउज करने के बाद दिस पीसी में जाने के बाद मैं क्या, अपनी सी ड्राइव को ओपन करूंगा. ओके, वेयर इज माय सी ड्राइव, दिस इज माय सी ड्राइव. ओके, अब अगर मैं सी ड्राइव में देखूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा पाइथन. क्या नाम होगा? पाइथन. ओके गाइस, देखो मैंने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, पाइथन इस फोल्डर को पहले ही क्रिएट कर लोगे, फिर इसे सेलेक्ट करोगे, और या फिर चलो मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ, विच इज पाइथन 1. ओके, अभी क्योंकि पाइथन मेरे पास पहले से ही प्रेजेंट था, तो यहाँ पर मैंने पाइथन 1 नाम से बनाया. अब जैसे मैंने इसे क्रिएट करा, ओके, तो इस पाइथन 1 को सेलेक्ट करके मैंने ओके करा, तो देखो मेरा क्या आ गया यहाँ पे. अब जो मेरी पाइथन इंस्टॉल होगी कहाँ पे होगी? सी पाइथन 1 में. ओके गाइस, अब मुझे क्या करना है, बस इंस्टॉल पे क्लिक करना है. ओके, याद रखना, आप इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स करोगे, और जो बाकी है प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज तक आप इसे टिक रहने दोगे. ओके, जैसा डिफॉल्ट है आप वैसा छोड़ दोगे, बाकी आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपका ये पैकेज वहां जाके इंस्टॉल हो जाएगा. गाइस, गॉट इट? दिस इज द इंस्टॉलेशन पार्ट अबाउट दी पाइथन. ओके, अभी के लिए आई होप आपको इतना समझ आया हो. अभी के लिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि पाइथन मेरे पे इंस्टॉल है. बट जब आप इतना कर लोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं वो बता देता हूँ, कहाँ कहाँ आपका पाइथन सेटअप होगा. गॉट इट? अभी के लिए मैंने इसे कैंसिल करा. ओके गाइस, अब अगर आप जब इतना करोगे तो आप देखोगे, जब व्हेन यू गो विद योर स्टार्ट मेन्यू, ओके गाइस, तो आप देखो कि आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू जैसे ही आएगा, आप यहाँ देखोगे कि आपको पाइथन का एक आइडियली, यहाँ पर आप सर्च करोगे लाइक पाइथन पी वाई टी एच ओ एन, या फिर आप यहाँ सर्च करो आइडियली, आई डी एल ई. तो देखो गाइस, जब आप आइडियली सर्च करोगे, ठीक है, या फिर अगर आपको सर्च भी नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ पर जाके, ओके, आप ये देख सकते हो कि आपका पाइथन कहाँ इंस्टॉल हुआ है. तो जस्ट वेट अ सेक, पाइथन पाइथन पाइथन, ये देखिए गाइस, मेरे पास अभी पाइथन जो मैंने इंस्टॉल कर रखा था वो 3.6 है. तो जब आप इसे ड्रैग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट आइडियली, ओके, उसके बाद ये पाइथन का लॉन्चर है, दैट्स अ मैनुअल, मैनुअल जहाँ पर पाइथन को यूज करने की गाइडेंस लिखी हुई है, ये उसका मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने आपको बताया था. ओके,
विंडोज पे से कैसे इंस्टॉल करना है वो चीज यहाँ पे मेंशन है, ओके गॉट इट। और दिस इज द पाइथन विंडो जो कि अभी इंटीग्रेशन आया कि एक और एडिटर है पाइथन का जिसे आप यूज कर सकते हो। लाइक एक एडिटर तो आपका ये है और दूसरा एडिटर आपका ये है, तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक करा, ओके क्लिक करते साथ ही मेरे पास कुछ इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी गाइस, ओके। ये क्या है, ये मेरा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, ओके। इसे आप एनालाइजेशन टाइम भी बोल सकते हो, रन टाइम भी। बेसिकली इसे जो बोला जाता है उसका नाम क्या है, इंटरेक्टिव शेल गाइस। क्या नाम है, इंटरेक्टिव शेल। क्या होता है इंटरेक्टिव शेल, जिसे आप इनपुट देते हो और वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कराता है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू फाइव, बी इक्वल्स टू सिक्स, ओके एंड देन 15 प्लस ए। सो 15 प्लस ए, ए में कितना वैल्यू था मेरा 5, और 15 इज माय न्यूमरल। मैंने क्या करा, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मैंने 15 इज माय न्यूमेरिक पार्ट एंड ए इज माय वेरिएबल। मैंने दोनों को जैसे प्लस कराया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, देखो मैंने एंटर प्रेस करा तो मेरा आंसर आ रहा है 20, ओके। व्हाट इज दैट 20, दिस इज माय आउटपुट। तो आप इसे इनपुट दोगे और ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो दैट्स द बेसिक वर्किंग ऑफ योर इंटरेक्टिव शेल गाइस। इंटरेक्टिव शेल हमारी स्क्रिप्टिंग के काम आता है और पाइथन के कुछ स्मॉल स्मॉल कोड्स को रन करने के काम आता है। लाइक हम इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ओके। लाइक आप इसे एक स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो, ओके आप उस स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हो, यह हर एक फंक्शन पाइथन का फॉलो करेगा। गॉट इट गाइस। बट क्या है, ये एक इंटरेक्टिव शेल है, बट आपको तो एक कोड राइट करना है तो आपको एक एडिटर चाहिए। तो एडिटर के लिए आप क्या करोगे, यहां पर जाओगे और यहां से एक नई फाइल ओपन करोगे, ओके गाइस। जैसे आप ओपन करोगे, दिस इज योर पाइथन एडिटर, दिस इज योर पाइथन एडिटर, ओके। ये कंप्लीट जो भी है लाइक बैकग्राउंड और ये दिस इज योर रन टाइम एनवायरमेंट एंड दिस इज योर एडिटर, ओके। ये दोनों के दोनों क्या है, आपका आईडीएली का पार्ट है। किसका पार्ट है गाइस, आईडीएली का पार्ट है, ओके तो अब देखो क्या करना है, ये आपका एक, अब दिस इज योर इंटरेक्टिव शेल, इसमें आप इनपुट दे रहे थे और आपको आउटपुट मिल रहा था, बट इट इज नॉट योर इंटरेक्टिव शेल, इट इज योर एडिटर। तो इसमें आपको हर एक चीज असाइन करनी पड़ेगी और आउटपुट भी खुद से देना पड़ेगा। लाइक मैंने ए में 5 लिया और बी में 25 लिया, ओके दिस इज माई सिंपल कोड इन पाइथन। मैं सम ऑफ टू नंबर्स का कोड बना रहा हूँ गाइस, ए में मैंने 5 लिया, बी में मैंने 25 लिया और इसे एग्जीक्यूट कराया। क्या करा मैंने, रन पे जाके रन दी मॉड्यूल। सो गाइस जैसे ही मैं इसे रन कराऊंगा, देखो ये क्या बोलेगा, मुझे सेव करो। तो आप किसी भी ड्राइव में से सेव कर सकते हो, मैं अभी डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ। लाइक मैंने इसे नाम दे दिया फर्स्ट, ओके क्या नाम दिया, अब पीवाई लगाने की जरूरत नहीं। लाइक सी का कोड अगर आप यूज करते हो तो लिखते हो तो डॉट सी लगा सकते हो आप पीछे, जावा का लिखते हो तो आप डॉट जावा लगाते हो, बट पाइथन में डॉट पीवाई लगता है। तो आपको खुद इसे मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप आइडियली यूज करो तो खुद से गेट कर लेगा। तो मैंने जैसे सेव कराया, देखो गाइस क्या हुआ, ये फिर से मेरा जो ये आइडियली था फिर से स्टार्ट हुआ, मेरा जो रन टाइम एनवायरनमेंट था फिर से रिस्टार्ट हुआ और यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ डिस्प्ले नहीं कराया। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, प्रिंट इज योर आउटपुट कमांड। इफ आई सेड प्रिंट व्हाट, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, एक मैसेज भी पास कर दिया, मैंने बोला सम, ओके दिस इज माय मैसेज गाइस, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ओके तो दिस इज माय मैसेज, ओके। और इसके बाद मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी, सिंपल। अब मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट कराऊंगा, ओके तो देखो अब मेरा आउटपुट शो होगा मुझे, लाइक सम इज माय 30, ओके। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर पाइथन कोड, ओके कि कैसे आपका आइडियली यूज करता है, कैसे आपको कोड सेव कराना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट कराना है, ओके। आई होप आपको आइडियली की वर्किंग समझ में आई होगी। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका पाथ कहाँ पर ऐड हुआ होगा, जो कि मैं बता रहा था कि आपका जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट यू गो विथ दिस, ओके अपना CMD ओपन करो। आप अपना CMD ओपन करने के बाद आप जैसे पाथ टाइप करोगे, अगर आपका पाइथन इंस्टॉल हो चुका है सही, तो वो आपका यहाँ पर पाथ शो कर देगा, ठीक है। और ये पाथ आता कहाँ से, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ओके ये कहाँ का पाथ है, ओके यू गो विद सर्च हेयर, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल, व्हाट गाइस, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल,
तो जैसे ही आप एनवायरमेंट वेरिएबल को उस पर क्लिक करोगे, आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आप पाथ में जाके चेक करोगे, ओके गाइस, लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास मल्टीपल, लाइक देखो पाइथन का पाथ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। तो जो आपने वहाँ पर एड टू पाथ करा था, उसने यहाँ पर आके आपका पाथ सेट कर दिया है पाइथन में, हर यूज़र के लिए। आप इस किसी भी यूज़र से ऑपरेट कराओगे, आपका पाइथन हर जगह चलेगा। आप डेमो के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, सीएमडी ओपन करो और यहाँ पर टाइप करो आप पाइथन, ओके। तो आप जैसे पाइथन, तो दिस इज योर, नाउ इट इज नॉट योर कमांड प्रॉम्प्ट, इट इज योर कंसोल, ओके। और कंसोल पे क्या चल रहा है आपका? पाइथन चल रहा है। इट इज योर इंटरेक्टिव शेल। ये इंटरेक्टिव शेल उसी की तरह है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, बट ये आपका सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है पाइथन, ओके। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक ए इक्वल्स टू में 25, बी इक्वल्स टू में 30, एंड यहाँ पर आप कर सकते हो बी प्लस 65, सो दिस इज योर 95 इज योर आउटपुट गाइज, ओके। तो दिस इज योर इंटरेक्टिव शेल, ओके गाइज।